लोटा कहाँ से लिए घर अरे बुतले एसपी सिंगला कंपनी के बेस कैंप में लगी आग। ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के दर्जनों गाड़ी पहुंची, आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। दरअसल एसपी सिंगला कंपनी के बेस कैंप में आग लग गई। आग लगने के बाद एक एक कर 12 ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे, जिसके धमाके से आसपास के ग्रामीण जमा होने लगे। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि एसपी सिंगला कंपनी के बेस कैंप के बिल्डिंग का काम चल रहा था कि अचानक आग लग गई, जिसके बाद कंपनी में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से धमाके की आवाज से आस पड़ोस के ग्रामीण जमा होने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को हटाने का प्रयास कर रही थी। वहीं हाजीपुर और पटना के दर्जनों अग्निशमन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग पर काम करते समय निकली चिंगारी से आग लगी थी। एसपी सिंगला कंपनी हाजीपुर पटना गांधी सेतु पुल के समानांतर पुल बनाने का काम कर रही है। एसपी सिंगला कंपनी के बेस कैंप में लगी आग। ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड के दर्जनों गाड़ी पहुंची, आग पर काबू करने का कर रही प्रयास। गंगाब्रिज थाना के पाया नंबर 1 की घटना है। दरअसल यह पूरी घटना वैशाली के हाजीपुर से है, जहां एसपी सिंगला कंपनी के बेस कैंप में आग लग गई। आग लगने के बाद एक एक कर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगा, जिसके धमाके से आसपास के ग्रामीण जमा होने लगे। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह एसपी सिंगला कंपनी के बेस कैंप के बिल्डिंग का काम चल रहा था, अचानक आग लग गई, जिसके बाद कंपनी में रखे ऑक्सीजन से सिलेंडर फटने से धमाके की आवाज़ से आस पड़ोस के ग्रामीण जमा होने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है। अभी तो हम लोग आग को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि जो बता रहे हैं, वेल्डिंग करने के क्रम में कुछ स्पार्किंग हुआ होगा, तार पकड़ा होगा, फिर वहीं से विस्फोट करना शुरू हुआ होगा। अभी तक इतना ही। कितनी दमकल की गाड़ी लग गई अभी तक? अभी तक हमारी पटना से भी 2 वाटर बाउजर आ चुका है। यहाँ पर लगभग 7 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। आग पर कब तक क्या उम्मीद लग रहा है? हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं, अभी हमको कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी तो हम लोग आग को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि जो बता रहे हैं, वेल्डिंग करने के क्रम में कुछ स्पार्किंग हुआ होगा, तार पकड़ा होगा, फिर वहीं से विस्फोट करना शुरू हुआ होगा। अभी तक इतना ही। कितनी दमकल की गाड़ी लग गई अभी तक? अभी तक हमारी पटना से भी 2 वाटर बाउजर आ चुका है। यहाँ पर लगभग 7 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। आग पर कब तक क्या उम्मीद लग रहा है? हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं, अभी हमको कंट्रोल करने की जरूरत है।